رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. بعد ذكر صلاة بري محمد وعلى محمد بار. आज मेरा अब्बास जो होता, आज मेरा अब्बास जो होता, हर नेजा लगाओ अकबर के जिगर में, तीर लगा हल्के असगर में, मार न जाता मेरा बरादर, आज मेरा अब्बास जो होता, आज मेरा अब्बास जो होता, बांध के हमको जंजीरों में, कूफे की गलियों कूचों में, कौन फिराता हमको दर दर, आज मेरा अब्बास जो होता, आज मेरा अब्बास जो होता, खाक के यतीम में सर पे न होती, बाली सकी ना यूं न रोती, सोने को मिलता सीना ए सरवर, आज मेरा अब्बास जो होता, आज मेरा अब्बास जो होता। सल्लु अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। एक और सलावत पढ़ी मुहम्मद व अली मुहम्मद पर। मुसलसल साथ में मिलकर हम यही बात कर रहे हैं कि मुसलमान दर हकीकत मुहर्रम के अय्याम या मुहर्रम के दिन खुदा के दिन में शुमार होते हैं, और कुरान मजीद में जहाँ पर भी खुदा के दिन का तज़किरा आया वहाँ पर खुदावंद करीम ने जनाब मूसा को कहा कि मूसा
हमने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि तू अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ ले जा और अपनी कौम को खुदा के दीन याद दिला। और याद रखना कि इस याद दिलाने के अंदर जो भी सब्र करने वाला है, खुदा का शुक्रगुजार बंदा है, उसके लिए खुली हुई खुदा की निशानी है। अज़ान मोहतरम, अब तक जो भी हमने बात की, आज मैं चाहता हूँ कि मजलिस के शुरू ही में, आज की मजलिस सुनने के लिए अभी से हर कोई अपनी जगह पर शैतान से दूर होने की दुआ कर ले। अभी से हर कोई अपने आप से कह ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खुदाया मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से। क्यों? क्योंकि आज जो बातें करनी है ये बातें ऐसी होगी कि जिसकी वजह से शैतान हमलावर होगा ही होगा। वो तलाश में ही होता है कि कहीं जाके मैं हमला करूं। और आज जो बात करनी है वो ऐसी बातें हैं जिसकी नीयत कहीं भी ये नहीं है कि किसी की दिलाजारी की जाए, न किसी को तोड़ने का इरादा है, या यूं कहूँ न किसी को फोड़ने का इरादा है। अजय तोड़ फोड़ का ही नहीं करवू, लेकिन बात ऐसी करनी है कि हमें साथ में मिलकर अंधेरों से नूर की तरफ जाना है और हमारी जिंदगी में कोई ऐसा नूरों के दरमियान ऐसा गोशा आ चुका है, ऐसा अंधेरा आ चुका है जिसको निकालना जरूरी है, या यूं कहूं कम से कम इस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि इस अंधेरे को इमाम ने कीड़े का नाम दिया है। इस अंधेरे को इमामों ने कीड़े का नाम दिया है, मकोड़े का नाम दिया है। तो आज जो बात होगी, बातों दरमियान जो जो मिसालें आएंगी हमारी कौम की, उनसे मुराद ये नहीं कि जो भी हो रहा है वो बेकार हो रहा है, किसी को तोड़ना फोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी की नीयत को हम जानते नहीं। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, इसका सुतून क्या है, किस चीज पर ये पूरा मजहब बाकी है, और मजहब पर अमल करने के बाद कौन सी वो चीज है जिसकी कीमत होगी और कौन सी वो चीज है जिसकी कीमत खुदा के दरबार में होगी नहीं। लेकिन बला क्या है, मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हो चुका हूं। देखिए, पूरा कुरान मजीद ये एक अंधेरा है जिसमें से मुझे और आपको निकलना है। उसकी बात करना आसान, उसकी बात सुनना आसान, कोई मेरे हाथ में मोजीजे की छड़ी नहीं या मोजीजे की लकड़ी नहीं, जनाबे मूसा का मैं आसा मेरे हाथ में नहीं कि उसकी बात करूं और फर्क आ जाए। रसूल करीम को भी कितनी मेहनत पड़ी तब जाके कई लोग मुसलमान हुए। तो हम तो एक मजलिस, पांच मजलिस, दस मजलिस में अपने आप को नहीं सुधार सकते तो कौम को कहां सुधारेंगे? क्यों? क्योंकि हम जो अपने आप को सुधारने वाले कहते हैं, हम खुद भी इसमें मुब्तला है, हम खुद भी इसमें फंस चुके हैं। इसलिए आज की मजलिस के लिए शैतान को दूर कीजिएगा। कहीं कहीं भी थोड़ा सा कुछ ख्याल आने लगे ना, सीधा अपने जहन दिलो दिमाग में कहना शैतान आ रहा है, लानत भेजो उस पर, भगाओ उसको। क्यों? लगता यूं है कि शैतान हमला करने वाला है। बात इतनी सी है। देखिए जनाब, ये दीन जो है दीन इस्लाम, ये एक चीज पर कायम है, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरों में से नूर की तरफ जाना है ना। नूर कौन कौन से थे? कौन कौन से थे नूर जी? अल्लाह, उसका रसूल, उसकी किताब। अब देखिएगा, हर बात जब ये बात आएगी, अल्लाह भी आएगा, उसका रसूल भी आएगा और उसकी किताब भी आएगी। आयतें सुनिए, परवरदिगार आलम ने सूरह जुमर में, कुरान मजीद का 39वां सूरा है, आयत का निशान 2 और 3, किताब की बात हो रही है, सुनिएगा।
खुदा ने कहा अपने हबीब से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिलहक, हमने ऐ मेरे हबीब हक्कानियत के साथ सच्चाई के साथ तेरे पास या तेरे लिए या तुम्हारे दरमियान किताब को नाजिल किया, और साथ हम तुम्हें ऐ मेरे हबीब ये हुक्म देते हैं वअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ऐ मेरे हबीब किताब के जरिए याद रखना अल्लाह की इबादत मुखलिसन खालिसतन लिल्लाह करना, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ऐ मेरे हबीब याद रखना लोगों को बता दे कि खुदा का दीन है ना वो तभी दीन माना जाता है जब ये दीन खालिस दीन है। इस दीन में जो भी करना है खुदा के लिए करना है। लेकिन आज की मुसीबत क्या है, जो काम करना है लिल्लाह करना मुश्किल हो चुका है। जहां भी जाओ दिखावा दिखावा दिखावा, रिया रिया रिया। खुदा बाद में आता है, पहले सामने वाला आए, पहले उसको राजी कर लूं, पहले कौम को राजी कर लूं, पहले उनको राजी कर लूं, कहीं भी अल्लाह का नाम नहीं आता। हालांकि दीन किस पर कायम है, इखलास पर, उतना ही है। और हदीस आयतें सुनिए, इसी सूरे में सूरे जुमर में आयत 11, 12, 13, 14 वापस अपने हबीब से बात, कहा मेरे हबीब कौल इन्नी उमिरतो अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, मेरे हबीब अपनी कौम को कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने परवरदिगार की अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत क्या करूँगा, मुखलिसन उसके लिए करूँगा किसी और के लिए नहीं। व उमिरतो लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, ये भी कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि ऐ मेरे हबीब तू सबसे पहला अपने आप को तस्लीम करने वाला हो जा। तीसरी आयत, ऐ मेरे हबीब कह दे कौल इन्नी अखाफो इन असैतो रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मेरे हबीब ये भी कह दीजिए कि मैं कयामत के दर्दनाक अजाब से डरता हूँ अगर मैंने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, कह दीजिए कि मैं उस अजाब से डरता हूँ। 14वीं आयत कौल कह दीजिए अल्लाह अबुदो मुखलिसन लहू दीनी, ये भी कह दीजिए कि मैं अगर इबादत करूँगा इताअत करूँगा तो मेरे दीन के लिए करूँगा तो वो फ़कत और फ़कत अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए करूँगा किसी और के लिए नहीं करूँगा। हमारे यहाँ देखिए इस दीन में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है, इस दीन में सबसे बड़ी खुदा की इबादत कौन सी हाजी बताइए, नमाज। कुरान मजीद में जो सबसे बड़ी चीज है उसकी मिसाल आई है मेरी नजर में। कुरान में जितनी आयत है, कितनी आयत है सर कुरान में, आवाज से, आवाज से, अहसन, 6236 कुरान में 6236 जो आयत है, मेरे ख्याल में दो ही ऐसी चीज है जिसके लिए खुदा ने इस बीमारी का तज़किरा किया है और वो सिंबॉलिक है। उसमें से एक ये इस्लाम की सबसे बड़ी क्या इबादत, सुनिए इरशाद हुआ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरे निसा की 142वीं आयत चैप्टर 4 वर्स नंबर 142 ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, दर हकीकत मुनाफिक लोग खुदा को धोखा देना चाहते हैं लेकिन खुदा किसी के धोखे में नहीं आता, खुदा उनके धोखे का जवाब देगा। वहुवा खादिउहुम वएदा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला, ये भी बात कर ली जाए। मुनाफिक की एक सिफत ये भी होती है कि जब भी नमाज पढ़ने की तैयारी ये लोग करते हैं
तो सुस्ती के साथ करते हैं। वैदा कामो सलात कामो कुसाला, अब सुस्ती के साथ नमाज तो शुरू हो गई लेकिन किसके लिए? युराउना नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक लोग नमाज जो पढ़ते हैं ना, तो वो भी खुदा के लिए नहीं होती, वो लोगों को दिखाने के लिए होती है। मुसलमान, देखा तूने कि सबसे बड़ी इबादत जो इस्लाम में है और खुदा ने मिसाल के तौर पर इस दीन की जो भी बात है, सब बात खुदा के लिए होनी चाहिए। अब देखिए इस दिन में हमारी जो भी बात है, सब जगह रिया आ चुका है। मातम करता हूँ दिखावे के लिए, मजलिस पढ़ता हूँ दिखावे के लिए, मजलिस करवाता हूँ दिखावे के लिए, उलमा को बुलाता हूँ दिखाने के लिए, जो भी जहन में आता है सब दिखाने के लिए करता हूँ, शादियाँ करता हूँ और करवाता हूँ वो भी दिखाने के लिए। दो मिसालें आपको देता हूँ, शायद आपके यहाँ अगर ना हो तो हमारे यहाँ ये तो बहुत राइज है। दो मौके ऐसे आते हैं जहाँ आपको सरासर झूठ नजर आएगा कौम के अंदर। ये सब क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की जगह रखी ही नहीं हमने। एक होती है दफन क्रिया, तदफीन किसी की। अब जब कब्रिस्तान जाओ ना, फर्ज करो शेख मुइज मर गए, यानी मैं मर गया, मेरी तदफीन, जनाजा, गुस्ल व कफन सब तैयार हो गए, अब कब्रिस्तान जा रहे हैं। अब कब्रिस्तान जब पहुंचे तो वहां जाके आप हैरान हो जाएंगे कि कौन कौन लोग यहां आ गए। पूछेंगे आप, भाई आप कौन है? हम शेख के रिश्तेदार हैं। अच्छा, सालों से हमने आपको कभी देखा है न पहचाना है न आपको जानते हैं कि आप भी इस मरहूम के रिश्तेदार हैं, आज आए क्यों? दिखावा, ताकि जाके कोई बोल ना जाए कि खुद के रिश्तेदार थे और मैयत में भी नहीं आए थे। वो खुदा के लिए नहीं आते, ताकि लोगों के ताने सुनने ना पड़े, इसलिए वहां आते हैं। और ये फकत रिश्तेदारी की बात नहीं है, आप तो अब में से कई लोग मुझे जानते हैं जो मेरे साथ होटलों में, रेस्टोरेंट में, कमरों में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब मैं मर गया, आप देखते हैं हर बार मेरे साथ अल्ताफ भाई होते हैं, ये पता नहीं असद भाई होते हैं, बहुत से आपके हजरत हमारे दोस्त, ये हसनैन होते हैं, जो भी है यहाँ पर माशाल्लाह, ये तौसीफ है, दूसरा तौसीफ अब्बास, ये सब जो छोटे छोटे हमने शुरुआत की है अपने लिए दोस्तों बनाने की, ये सब मेरे साथ आते हैं। मैं मर गया, सब लोग आ गए, एक को मेरे से लेना न देना, लेकिन आया अगर मैं न गया शेख मुइज़ की तदफीन में, तो वो दोस्त कहेगा यार तू रात को उसके साथ खाया करता था, नहीं आया। भाई तदफीन में जाना है खुदा के लिए जाओ, दिखावे के लिए नहीं। यही जब इंतकाल किसी का होता है, हमारे यहां होता है, फला की रूह की सवाब के लिए इतने लिखाओ, 1000 रुपए, 5 रुपए। मैं इंडिया घूम रहा हूं, आपका इंडिया, फकत बॉम्बे ही नहीं देखा मैंने, कई जगह पर मैं गया हूं, बेंच लगाते हैं, टेबल वक्फ करते हैं, और एक आदत आप क्या देखी, देखो ये भी चश्मदीद गवाह, ये घड़ी, उसमें क्या लिखा है, थोड़ा मैं दूर, नजर तंग है मेरी, क्या लिखा है उसमें, थोड़ा पढ़िए ना, वो नौजवान काले वाला, क्या लिखा है घड़ी पे जी, बोलो हसन। बस इतना ही है ना, मरहूम जुबेदा भाई, यहां तक सही है, लेकिन कई लोग नीचे ये भी लिखते हैं कि मरहूम जुबैदा भाई की रून की सवाब के, इसाले सवाब के लिए किसकी तरफ से? शेख मुइज। अरे भाई, तेरे खुद का नाम लिखने की जरूरत क्या है? ये खुदा के लिए किया है या लोगों को बताने के लिए किया है? मैं दान जो भी करता हूं वो किसके लिए? दिखावे के लिए। ये एक ऐसा अंधेरा है जिसमें से मुझे निकलना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में रिया इतना आ चुका है, रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पांचवें इमाम ने भी यही मिसाल दी है,
اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. सबसे बड़ी चीज जिसका मुझे आपके लिए डर है वो क्या है? छोटा सा शिर्क. लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, शिर्क असगर ये क्या होता है? आपने कहा रिया, काम दिखावे के लिए करना, लोगों के लिए करना, खुदा को मद्देनजर नहीं रखने का, हर काम किसी ना किसी को राजी करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बंदा करता है. और पांचवें इमाम ने तो और कहा खबरदार, अपनी जिंदगी में ऐसा ना हो कि रिया की बीमारी आ जाए. क्योंकि बीमारी ये रिया जब आती है ना, तो इसकी मिसाल ये है कि अंधेरी रात है, अंधेरी रात में काला पत्थर है, काले पत्थर पर छोटी सी काले रंग की चूंटी है, कीड़ी कीड़ी चूंटी है. क्या किसी को वो चूंटी दिखाई देगी? रात भी अंधेरी, पत्थर भी काला, कुछ चूटी इतनी छोटी नहीं दिखाई देगी. पांचवें इमाम ने कहा खबरदार, आपकी जिंदगी में रिया ऐसे आ जाएगा जैसे काली रात काले पत्थर पे चूटी दिखती नहीं, वैसे आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये सब दिखावे के लिए हो रहा है. इंसाफ से बताइए, अभी आप तो खुश हो गए ना कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख, ये तो आपने वो मुनाफिकों की कि मुनाफिक हजरात जब नमाज पढ़ते हैं तो वो दिखावे के लिए. हम तो मुनाफिक नहीं है ना, आप हैं? हो या मुनाफिक नहीं? और अगर होगा भी तो कोई अपने आप को मुनाफिक नहीं कहेगा. चलो हम मुनाफिक नहीं हैं. कुरान में और भी आयतें हैं. इरशाद रब्बुल इज्जत का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह माऊन, कुरान मजीद का 107वां सूरह, आयत का निशान है 4, 5, 6. खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फवैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम, यल्ला बोलिए बोलिए असद जाहून, उसके बाद अल्लज़ीनहुम युराऊन आखिर में है, वयमनाऊन अलमाऊन, वैल है जहन्नम का गिरा है. ये जहन्नम है किसके लिए? वो नमाजियों के लिए जो नमाज को हल्का समझते हैं और नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं. अब तो मुनाफिकत की बात नहीं है ना, अब तो मेरी बात आ गई, अब तो मेरी बात आ गई. अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए, मैंने कहा दो मौके, एक शादी का मौका, एक इंतकाल का. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद. आगे आगे नौशाद भाई, ये आज मेरी आवाज़ चल रही है तो बदौलत इसके इन्होंने कोई गोली मुझे दी है कि आवाज़ चलती रहे. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद. यही इंतकाल का जो वक्त है, आप देखिए तब क्या होता है. वापस कहता हूँ, कोई भी शैतान आने की कोशिश करे हटा देना. किसी की ना दिलाजारी करनी है, न किसी का दिल दुखाना है. लेकिन ये है, अब मैं मर गया मैं, और आपने मरते वक्त यह ऐलान किया कि हमारी तरफ से क्या है, हलीम का न्याज. यही होता है ना, अभी हमने देख लिया. जब भी मरहूमिन को याद करते हैं तो क्या करते हैं? लोगों को हलीम खिलाते हैं. अब खिलाते रहिएगा, हम महरूम रह जाएंगे. बात को समझिए, शैतान को हटाना. जब भी मरहूम की इसाले सवाब के लिए मजलिस या खाना खिलाया तो हलीम आया. शेख मुईज मर गया, किसी ने ऐलान किया शेख मुईज के इसाले सवाब के लिए, मरहूम के लिए आज की मजलिस, उसके बाद हलीम सबके लिए. अरे मुसलमान, जब शेख मुईज जिंदा था एक बार तूने हलीम नहीं खिलाया, एक बार नहीं. अब मर गया, अब दिखावे के लिए सबको हलीम खिला रहा है, सबको बिस्कुट बांट रहा है, सबको पता नहीं मुर्गियां दे रहा है. क्या है ये क्या है? किसके लिए ये सब? इस दीन में अगर कोई काम खुदा के लिए नहीं किया गया वो काम रायगा बेकार जाएगा. एक तो ये काम है, कौन सा? इबादत की मैंने मिसाल दी जो कुरान में है. दूसरी क्या है? दूसरी है दान देने की, वो भी इसी कुरान में है. देखिए कुरान क्या कहता है. इसलिए मैंने कहा कुरान मजीद में दो ही चीज के लिए रिया का लफ्ज आया है, दो ही चीज के लिए.
ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی چپٹر 4 ورس نمبر 38 خدا کچھ لوگوں کی مذمت کر رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہا صلو علی محمد وعلی محمد والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن كان الشيطان له قرينة ومن يكون الشيطان له قرينة فساء قرينة ارے وہ لوگ بھی کتنے بدبخت ہے کون جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں کچھ بھی ہوا یہ بنانا ہے شیخ معیز کی طرف یہ آگئے ہیں ناظم صاحب کی طرف سے لاکھ روپے لکھ ڈالو ارے بھائی تو کیوں ایسے نہیں لکھتا بندے خدا کی طرف سے اپنا نام لکھوانا کیا ضروری ہے یہ جماعتوں کے واقعات ہیں اور ابھی ممبر پر ہوں یعنی انشاءاللہ آپ کو بھروسہ ہوگا کہ مولانا باہر نیچے تو جھوٹ بولتے ہوں گے ممبر پہ تو نہیں بولیں گے نا کم سے کم اور یہ بھی ہماری سوچ ہے یہ مولانا حضرات کی یہ ٹیکنیک ہے ہمارے جیسے وہ پورے جھوٹے کے جھوٹے ہی ہوتے ہیں اور یہاں جا کے بولتے ہیں کہ ممبر سے بول رہا ہوں مطلب نیچے جھوٹ بولتا ہے یہاں نہیں بولتا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر ہوا ہے یہ ہوا ہے فرض کرے کسی جماعت کا نام نہیں دینا اپنے یہاں پہ کچھ بھی ہوا کسی نے کہا ہاسپٹل کھولنی ہے فار ایگزامپل نے کہا لکھ دیجئے شیخ معیز 1000 روپے اب شیخ معیز پیسے جیب میں لے کے تو گھومتا نہیں لکھ دیا دوسرے دن آیا الطاف شیخ وہ 1000 روپے جو آپ نے لکھوائے تھے نا کون سے 1000 آپ نے اعلان تو کیا نہیں آپ نے اعلان تو کیا نہیں اچھا کہا جب اعلان کرو گے تب دیں گے ہم یہ کیا ہے بھائی وہ لوگ کہ جو دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ لوگ نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پھر خدا کہتا ہے وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ قَرِينَ لَهُ قَرِينَ ارے جس کا ساتھی شیطان ہو تو اس سے بدتر ساتھی کون ہو سکتا ہے مسلمان تیری زندگی برباد ہو جائے گی اگر تُو نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں دیا لیکن یہ کچھ برے لوگوں کی بات ہے نا خدا اب ہم سے بات کر رہا ہے ہم اور آپ سے ارشاد ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت 264 کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا ایمان لانے والو تم اپنے صدقوں کو خیرات کو اللہ کی راہ میں جو دیتے ہو اس کو احسان جتا کر اور دکھ دلا کر برباد نہ کرو کَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ اس کی طرح اپنے کام کو برباد نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں دکھانے کے لیے کرتا ہے خود اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتا قیامت کے دن پہ بھی رب ایمان نہیں رکھتا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صِنْفَصِفْوَانٌ عَلَيْهِ تُرَابِ یہ جو دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آگے آگے آجائے پلیز آجائے آگے تھوڑا آگے پلیز صلو علی محمد والے محمد احسان ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر ارے جو اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے دیتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صِنْفَصِفْوَانٌ عَلَيْهِ تُرَابٌ اس کی مثال ایک ایسے پتھر جیسی ہے جس پہ تھوڑا سی مٹی لگ جائے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر اس پتھر پہ بارش ہوتی ہے
فَتَرَكَهُ سَلْدًا, جب بارش اسی پتھر پہ ہوتی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے تو بارش کرتی کیا ہے, وہ مٹی کو ہٹا دیتی ہے, وہ پتھر واپس ویسے کے ویسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے پر کوئی مٹی تھی ہی نہیں. خدا نے کہا اللہ کی راہ میں جب دو, اگر دکھاوے کے لیے دو گے تو جیسے بارش سے مٹی چلی جاتی ہے, ریا سے آپ کا دان جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. یہ دکھاوا. اچھا تو کیا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے؟ ہے اسلام کے اندر کہ کبھی کبھی لوگوں کو جوش دلانے کے لیے, لوگوں کی بہترین عادت رکھنے کے لیے, جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے کتنے فنڈ ہوتے ہوں گے یہاں پر, عالم فنڈ, زری فنڈ, نیاز فنڈ, پتہ نہیں بیمار فنڈ, کیا کیا اور کیا ہے انوشد بھائی, اسکول فنڈ, ایڈوکیشن فنڈ, تبلیغ فنڈ, جو بھی ہے اس میں ہم الحمدللہ, ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے نام پہ دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نام پہ دیتی ہے یا اپنے نام پہ دیتی ہے؟ یہی بس, فقط یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے. ایسا نہ ہو کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ برباد ہو جائے. ہاں آنے والی نسل کے لیے کچھ درس بھی دینا ہے, لیکن دینے سے پہلے تو سوچ لے, دو بھائی ہے جیسے, ٹھیک ہے, دو بھائی تھے کہاں گئے, دکھتے نہیں آج, عباس و توصیف آئے ہیں یا توصیف و عباس نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, اسی کا لیتے ہیں ناظم بھائی کا مثال. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا بھی آیا ہے, یہ رہا ماشاءاللہ اس کا بیٹا بھی آیا ہے. اب ناظم بھائی جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں, کیا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی میرے جانے کے بعد یہ سیکھ جائے کہ محفلوں میں پیسے دینے چاہیے, فنڈوں میں پیسے لکھوانے چاہیے, مرحوموں کے لیے کچھ کروانا چاہیے؟ یہ صحیح بات ہے, لیکن نیت کوئی نہیں جانتا, میں اور خدا. کہیں بات آئی ہے کہ کبھی کبھی باتیں دکھانے کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ سیکھ لے, لیکن یہ دکھانے کے لیے ہے, سکھانے کے لیے ہے یا نہیں وہ کون جانتا ہے, وہ تو دیکھ لے. اگر دکھانے کے لیے ہے تو برباد, سکھانے کے لیے ہے تو اس کی اجازت. قرآن, پروردگار عالم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ چیپٹر 2 ورس نمبر 271 اعلان ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّنْ هِيَا, ارے تم لوگ جو صدقہ خیرات دیتے ہو نا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے ان تبدو صدقات فنعم من ہیا, وان تؤتوها الفقراء وتخفوها, لیکن یہی چیز اگر تم فقیروں کو دو گے اور چھپا کر دو گے, فہو خیر لکوم, یہی آپ کا دینا جو ہے نا وہ بہتر بن جائے گا اگر چھپا کر دو گے. میں کہتا ہوں بھائی چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نام لکھوانے کی ضرورت کیا ہے, کیا تیرا ایمان اتنا کمزور ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نے گواہی دی ہے ما من عبد اسر خیرا, جب بھی کوئی بندہ کسی کام کو سرن چھپ کر کرتا ہے, فذہبت الایام ابدا, اور اس کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں, کئی لمحات گزر جاتے ہیں, حتی یظہر اللہ لہ خیرا, جو بھی کام چھپ کر کیا جائے گا خدا نے گارنٹی ضمانت لی ہے کہ میں اس کام کو بندوں کے سامنے کھلا کر دوں گا. تو پھر تو کیوں کھلا کرتا ہے تاکہ برباد ہو جائے؟ اسی رسول کا ایک قول سنیے, آپ نے کہا اعظم العبادت اجرا اخفاها,
सबसे बड़ा अज्र उस इबादत का होता है जो छुपी तरीके से की जाए। सबसे ज्यादा अज्र किस में है? वो इबादत में जो छुप कर की जाए। और मैं कहता हूं अपने आप से, मूर्खा नहीं सुखे मैं उर्दू में, मूर्खा जाहिल बेवकूफ, मैं कितना बेवकूफ हूं कि जहां भी जाए शेख मुईज तरफ थी, शेख मुईज तरफ थी, शेख मुईज तरफ थी, क्यों अपना नाम लिखता हूं? जब एक बार दिया तो एक बार। सातवें इमाम इमाम मूसा अल कादिम अलैहि सलाम, आपने कहा अल मुस्ततिर बिल हसना तअदिलु सबईन हसना, जिसने भी इखलास के साथ छुपाए हुए किसी नेकी को किया, खुदा उस नेकी को एक की बजाय 70 लिखेगा, 70। अब मैंने एक मजलिस करवाई है, अगर मजलिस में लिखूं बंदे खुदा की तरफ से, वहां 70 लिखी जाएगी। एक नाम के साथ लिखवाऊंगा, अगर खुदा के लिए होगी, सिखाने के लिए होगी तो एक लिखी जाएगी, लेकिन 70 नाम के साथ लिखवाऊंगा तो 70 और 70 पानी में बेकार। कितना मैं बेवकूफ हूं जहां भी जाओ नाम लगाने का। आपने कहा जब ये आपकी सिस्टम है, वो घड़ी में नाम, ये घड़ी में नाम, यहाँ भी नाम, हर जगह नाम। वो वाकई याद है आपको बहलूल का और अपना कौन है हारून का, याद है ना? जल्दी पढ़ देता हूँ। हारून ने बड़ी मस्जिद बनाई, बड़ी मस्जिद, और बहलूल को बुलाया, कहा देख कितनी ज़बरदस्त मस्जिद है, ये मीनारे देख, दरवाजे देख, खिड़कियाँ देख, सब 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 सब। कहा हारून बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी। का एक काम, इसमें एक नुक्स है। अच्छा क्या नुक्स है? मुझे एक तख्ती लगानी है। अच्छा तख्ती लगाने में क्या है? लगा दो। का मैं उस पर लिखूंगा हाजा मस्जिद बहलूल, ये बहलूल की मस्जिद है। हारून ने कहा बनाऊ मैं और नाम तेरा तो ना हो। तो बहलूल ने यही तो खराबी है पूरी मस्जिद में, तेरा जाता क्या है? जिसका भी नाम हो खुदा के लिए की है कबूल हो जाएगी, लेकिन मेरा हर काम दिखावे के लिए। तो खुदा ने कहा कि कई काम दिखाने के लिए कर सकते हो। अगर किसी को दर्स देना है, किसी को सिखाना है तो सही है, वरना ख्याल रखना। एक दूसरी आयत है उसके बाद, उसी सूरह बकरा में चैप्टर 2 वर्स नंबर 274, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम, वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, बिल्लैल वन्नहार, रातों को भी देते हैं, दिन को भी देते हैं, वसिर्रं वअलानिया, छुपके भी देते हैं और ऐलान करके भी देते हैं, उलाइका ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए क़यामत के दिन न कोई डर है न वो गमगीन होंगे। देखा इसी आयत में आया कि कभी कभी अलल ऐलान भी काम को करना चाहिए, लेकिन किसके लिए बात ये है? ये पूरा दिन इस अंधेरे से मुझे और आपको निकलना है। कितनी मजलिस से होती होगी या कितनी मजलिस से होती होगी? बहुत सी ना, जहां पर देखो नाम 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 आएगा। और अगर यहां तो कोई अब देखता नहीं, यहाँ आपका जो बोर्ड है उस पर कौन पड़ेगा कि किसकी तरफ से मजलिस है? अब टीवीओं पे देखें आप, हमारे जो टीवी है सब माशाल्लाह चैनल, खुदा सबको आगे ले जाए, विन टीवी, पता नहीं ज़ैनबिया चैनल, जहाँ पर हो आज की मजलिस फलां हाजी साहब की तरफ से मुनअक़िद की जा रही है। अरे तेरा नाम ना होने फिर भी मजलिस हो जाएगी भाई, क्यों नाम डालने की ज़रूरत है? खुदा का हिस्सा है कहाँ? खुदा इस काम में है कहाँ? मुसलमान मुहर्रम के दिन को गुजार रहा है, मुहर्रम के वो दिन है जिसकी बात नबी मूसा ने की कि इसी दिनों में मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अंधेरों से मैं कहाँ रोशनी नूर की तरफ निकलूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अजीजा
انسان محترم جتنا بھی میں کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں خالی کا خالی کا خالی رہ جاؤں. کیوں؟ خدا کہے گا تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ حدیث کو سنیے, حیران ہو جائیں گے. کل سے آپ کہیں گے مولانا آپ مجلس یہاں نہیں پڑھیے. ایسی نہ مجلس چاہیے نہ ایسی مجلس پڑھنے والے چاہیے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام آپ نے کہا یوتا بے رجالین النار, قیامت کے دن خداوند کریم کچھ میرے جیسوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے فرشتے. فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَالِكُ, خداوند کریم جب لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جاتا ہوگا, خداوند کریم حضرت مالک یا جناب مالک کو کچھ کہے گا. مالک پتہ ہے کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں احسنت, جہنم کا فرشتہ. یہ بھی تھوڑی غلطی ہے اردو میں, جہنم کا فرشتہ یعنی اندر سے نہیں, جہنم کا دربان ہے وہ, وہ جہنم میں نہیں, جہنم کا فرشتہ یعنی جہنم سے نکلا ہوا نہیں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. تو مالک وہ ہے جو دربان ہے, کس کا؟ جہنم. یقول اللہ لمالک, مالک کو خدا حکم دے گا, یا مالک قل للنار, مالک تیرے ذمہ یہ آگ ہے, نے آگ کو حکم دے دینا. قل للنار لا تحرق لہم, عجیب ہے, لا تحرق لہم اقداما فقد کانوا یمشون الی المساجد. مالک اپنی آگ کو کہہ دینا یہ جو ابھی وہاں آ رہے ہیں نا, ان کے قدموں کو مت جلانا, کیونکہ اسی قدموں سے وہ باندرا مسجد میں جاتے تھے. میں بھی آتا ہوں, آپ کی بات نہیں ہو رہی, میں بھی آتا ہوں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ان کے قدموں کو مت جلانا, کیونکہ اسی یا انہی قدموں سے یہ مسجد میں جایا کرتے تھے. ولا تحرق لهم وجها فقد يسبغون الوضوء, مالک ان کے چہروں کو بھی مت جلانا, کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں جس چہرے پر یہ لوگ وضو کیا کرتے تھے. چہروں کو بھی مت جلانا. مالک آپ کو یہ بھی کہہ دینا, ولا تحرق لهم السنن فقد يكثرون تلاوة القرآن, مالک آگ کو کہہ دینا کہ ان لوگوں کی زبانوں کو بھی نہ جلائے, کیونکہ اسی زبان سے یہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ, یکثرون تلاوة القرآن, کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. مالک آگ کو یہ بھی کہہ دینا, ولا تحرق لهم ایدیا فقد كانوا يرفعون بالدعاء, مالک ان کے ہاتھ کو بھی جلنے نہیں دینا, کیونکہ یہی وہ ہاتھ ہے جو دعاؤں میں میری طرف بلند ہوا کرتے تھے. جب یہ بات خدا نے کہہ دی تو مالک بھی بے ہوش ہو گیا اور کہنے لگا, یا اشقیا ما حالکم, اے بدبختو اے کمبختو اے شکیو, نمازیں پڑھی وضو کیا قرآن پڑھا دعائیں کی پھر بھی یہاں. خدا کہہ رہا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کرنے والے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے تھے, یہ وہ لوگ جو مسجدوں میں جانے والے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرنے والے ہیں. یا اشقیا ما حالکم, خود مالک چکرا گیا, ایسے کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جہنم میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جیسے آپ نے نہیں دیکھا کہ یوروپ سے اتنا چیخ مارنے والا عالم بھی آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. گیا وہ, کہا کیا ماجرا ہے آپ لوگوں کا, اتنا کیا پھر بھی وہاں
जवाब सुनिए जवाब। कालू इन्ना कुन्ना नअमलु लिगैरिल्लाह फकील लना खुदू सवाबकुम मिम्मन अमलतु लहुम। हम वो लोग हैं जितना भी काम किया वो गैरुल्लाह के लिए किया था, इसलिए हमें कहा गया है जिसके लिए किया था उनसे जाकर अपने सवाब को ले लो। वुजू किसी के लिए किया था, कुरान दिखावे के लिए किया था, नमाजें दिखावे के लिए। मस्जिद में भाई मैं मौलवी मस्जिद में कैसे ना आऊं, ऊपर से नमाज की मजलिस से पढ़ूं का जाना पड़ेगा, इसलिए हाजी साहब यहाँ आते थे, वरना कौम खा जाए कैसा मौलवी है, या बांद्रा बाजू में रहता और मस्जिद में नहीं आता। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अब इसी मौलवी को ही पता है कि वो खुदा के लिए आता था कि लोगों के ताने न सुनने के लिए आता था। सुधर जा मुसलमान, ये सब जाया हो जाएगा और सबको जन्नत में ही जाना है ना नौशाद, जाना है, देखिए रास्ता क्या है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आज को आज की ताजा खबर, आज की अल्ताफ भाई नहीं आए, सलवात पढ़िए। वो उन्होंने मुझे कहा मौलाना आज मैं नहीं आया हूं, मतलब आज पढ़िए जितना पढ़ना हो। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मुसलमान याद रखना ये रिया जो है ये वो अंधेरा है जिसमें से तुझे निकलना पड़ेगा। निकल जा इसमें से, निकल जा। अब पता कैसे चले, ये हाजी साहब खुदा इसको हिफ्ज़ो अमान में रखे, ऐसे ही की मिसाल लेता हूँ ऐसे ही की, इसलिए मैंने कहा शैतान को दूर करना। अब ये माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बार बार आते हैं माइक को ठीक करते हैं, उलमा हजरात को मिंबर पे तशरीफ दिलाते हैं, माइक को ठीक कर फिर बेचारे बैठ जाते हैं। अब किसको पता ये किसको दिखाने के लिए करते होंगे, किसी को कुछ पता नहीं, पता ना किसी के नहीं भाई, इसके लिए ताना नहीं है। मैंने कहा ना शैतान को दूर करना, पता कैसे चले, क्या किसी के किसी की पेशानी पे लिखा हुआ है कि दिखाने वाला काम है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं साथ में, डॉक्टर पता है कौन है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आपने कहा लिल मुराई अरबा अलामात, जो दिखाने वाला होता है ना उसकी चार अलामत है, चार निशानियां है, जो काम लोगों को दिखाने के लिए करता है उसकी चार निशानियां है। लिल मुराई अरबा अलामत, कसला इदा काना वहदा, यकसुलो इदा काना वहदा। दिखाने वाले की पहली अलामत यह है कि जब वो अकेला होगा ना तो सुस्ती बहुत करेगा। अब जाने की जरूरत है किसी डॉक्टर के पास, तू खुद अपने आप को देख ले, जितना भी काम करता है जो भी काम करता है, महफिल का काम, घर का काम, जॉब करता है, जो भी काम करता है, गुजरात का बड़ा रह चुका किसके लिए, अगर अकेला है तो सुस्त, गुजराती में उसको कहता है एकलो हो तो बेठाड़ू, बैठा जब तक फोन ना है मौलाना हलो मजलिस तो टाइम थे गयो तब तक बैठा, अकेला हो तो क्या हो सुस्त। यकसुलो इदा काना वहदा, दूसरी निशानी, वयनशुतु इदा काना बैनन नास, लेकिन जब लोगों के दरमियान आता है ना तो ऐसे लगे कि सातों आसमान उसी ने उठाए है। वहां भागना, वहां भागना, वहां जाना, वहां उठना, वहां खड़े होना, वहां बैठना, उसके कान में कुछ कहना, उसके कान, अब यूं लगे वो एक वो आती है वो बैटरी जिसपे वो ससली की वो निशानी होती है, वो उसकी ब्रांड क्या होती है, हाँ ड्यूरासेल नहीं होती, हाँ वो ससला जो भागता है इतनी कुव्वत वाला, वो डालोगे बहुत चलेगा।
इमाम ने कहा जब ये लोगों के दरमियान होगा ना तो ऐसे लगेगा यंशो तो के उसके जैसा कोई नहीं, सातों आसमान, ये मेरे अल्फाज है, सातों आसमान को वो ही उठा रहा है कि उसके अलावा ये काम नहीं कोई और कर सकता। यंशो तो इदाका न बैनन्नास, ये कौन है? ये दिखावा करने वाले की दूसरी निशानी। तू देख ले जो भी यहां सर्विस देता है, जो भी काम करता है, जहां पर भी हो, और खास तौर पर जब खुदा का काम हो, अगर हद से ज्यादा ताकत आ जाती है जब लोग होते हैं तो बर्बाद। अकेलेपन में देख क्या बैटरी उतनी चार्ज रहती है जब अकेला होता है, तब तो सलाम किया जाए। तीसरा, ويزيد في العمل اذا اثني عليه, दिखाने वाले की तीसरी निशानी यह है कि अगर उसकी तारीफ की जाए ना तो उसका अमल और बढ़ने लगता है। इसलिए आपने देखा, आपने मेरी मजलिस की तारीफ बहुत की, मजलिस लंबी और लंबी होती जा रही है। तीसरी निशानी दिखावा वाले की क्या है कि उसकी तारीफ जब करोगे ना तो काम बढ़ता जाएगा। यजीदु फिल अमल इदा उसने अलैह, और चौथी निशानी इसके बरअक्स, वयुनक्सु मिन्हु इदा लम युस्ना अलैह, और अगर उसकी तारीफ न की गई तो कल अगर 10 कुर्सियों को उठाता था, आहिस्ता आहिस्ता 8, 6, 4, 2 फिर खुद ही नहीं उठेगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्योंकि करता ही है तारीफ के लिए। और यही बात हम सब की है, हमें हम मौलाना हजरत पूछेगा, खुदा पूछेगा ये किसके लिए था, कितनी मजली से मजमे को राजी करने के लिए मैं पढ़ता हूं, खुदा राजी हो या ना हो उससे मुझे लेना न देना। ये नौशाद भाई खुश होने चाहिए ताकि रोटला और भरता मिले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मुसलमान सब बर्बाद हो जाएगा। इखलास ले अपनी जिंदगी में। मैंने शुरू में कह दिया, इसकी मजलिस पढ़ना या इस मौजू की मजलिस सुनना बहुत आसान है, शैतान खड़ा है मुझे ऐसे रिया की तरफ ले जाएगा कि जैसे चूंटी आती है, पता भी नहीं चलेगा कि ये काम दिखावे के लिए। अब क्या करें, मजबूर है। नौशाद भाई को जन्नत में जाना है तो रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। मौला कायनात ने सच्चे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, आपने कहा इदा काना यौमुल क़ियामा नज़र रिज़वान इला कौम लम यमर बिह, क़यामत का दिन जब आएगा ना तो रिज़वान की नज़र कुछ ऐसे लोग पे पड़ेगी कि जिसको रिज़वान ने अपने सामने से गुजरते हुए नहीं देखा। रिज़वान कौन है भाई? हाँ, वापस आपने गलती की, जन्नत का फरिश्ता नहीं, जन्नत का दरबान है वो, कंट्रोलर उसका, टिकट लेने वाला, जैसे बस में होता है ना इसे। तो छठे इमाम कहते हैं कयामत का दिन आएगा, फिर अचानक रिजवान की नजर कुछ ऐसे लोगों पे पड़ेगी जो उसके सामने से नहीं गुजरे, जैसे हम भी बसों में गुजर जाते हैं ना, वहां से वहां से वहां से गुजर जाते। तो रिजवान पूछेगा, अरे लोग आप कौन लोग हो, मन अंतुम वमिन अइन दखलतुम, अरे तुम कौन लोग हो, कोई नबी हो, कोई वसी हो, कौन हो, मन अंतुम वमिन अइन दखलतुम, अरे मेरी जन्नत में कहां से घुस गए, मेरे सामने से तो गुजरे नहीं आप लोग, कौन हो, कैसे घुस गए? उन लोगों ने कहा इहनन्ना, तू हमारे लिए कुछ पूछना, गुजराती में के पंचायत ना कर, तेरा काम थी काम कर। ये लोग कहेंगे ईयन अन्ना, हमारी बात को छोड़, ईयन अन्ना
हमारे सिलसिले में कुछ ना पूछ रिजवान, नहनु कौमुन अबदना अल्लाह सिर्रा फअदखलना अल्लाह अलजन्नत सिर्रा। हम वो कौम है जो चुप चुप के खुदा की इबादत करते थे, इसलिए खुदा ने भी हमको जन्नत में चुप चुप के डाल दिया। तो मुसलमान तू कितना बेवकूफ है, क्यों हर काम को दिखावे के लिए, क्यों हर चीज में तुझे अपना नाम डलवाना है, ये काम बेकार हो जाएगा। मैं कहता हूं आज से आप सब नहीं, एक आदमी सुधर जाए, एक आदमी कि वो आज से नियत कर ले, मैं जो भी किताब छापूंगा, मैं जो भी दान दूंगा, मैं जो भी मजलिस करवाऊंगा, कहीं भी मेरा नाम नहीं डालूंगा, हर जगह लिखूंगा बंदे खुदा, बस हर जगह यही लिखूंगा। खुदा को बंदे चाहिए, दुकानें नहीं चाहिए जो अपनी तारीफ की दुकान खुले रखे। खुदा का दीन मैं और आपसे नहीं चलता, जो काम खुदा के लिए होता है ना, खुदा उसको बरकरार रखता है। ये करबला क्या है, दुनिया में कितने जुल्म और सितम हुए हैं, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, सबकी डिटेल्स खत्म, और अगर है तो कोई याद भी नहीं करता, लेकिन ये है करबला का वाकया आज तक और ता कयामत। इस साने या वाक्य पर लोग आंसू बहा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सब खुदा के लिए था। रसूल की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना लिल्लाहि यन्मु, याद रखिएगा इसको, माकाना लिल्लाहि यन्मु, जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो क्या नमू होता है, वो बढ़ता ही जाएगा। हमारे यहां कितने ऐसे प्रोजेक्ट है जो खड़े होने से पहले ही दफन हो गए, शायद शायद उसमें नियत अल्लाह की थी नहीं, इखलास था ही नहीं। आज इतना ही कि मुझे अंधेरों में से नूर की तरफ जाना है, और एक सबसे बड़ा अंधेरा जिसमें मैं मुब्तला हो सकता हूं वो है रिया। रिया की बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन हमारा वक्त यहां खत्म हो गया। करबला हमारे लिए गवाह है कि खालिसतन लिल्लाह आज तक बाकी है, और आज जिसका तज़किरा करना है वो कितना वफादार था, वो कितना अपने आका का मुखलिस था। क्यों? क्योंकि हुसैन मज़लूम कोई खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा का नुमाइंदा है। तो उसके लिए हजरत अब्बास ने हमको दिया सबक इखलास का, वफादारी का। ये अब्बास जिसका आज तज़किरा करना है, ये वो वाहिद हस्ती है जिसको रोजे आशूर जंग करने की इजाजत नहीं मिली। अभी सुना ने हमने शेख से, एक वक्त आता है कि हुसैन के सारे अजीज व अंसार अल्लाह की राह में जलबे से शहादत पा चुके। एक वक्त आता है हजरत अब्बास मौला के पास आते हैं कि अब मेरी बारी। तो हुसैन का जवाब आपने सुना ना, आका ने कहा अब्बास अरे तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो, नजर यमीन व शिमाला, अलमदार की बात आई ना, हजरत अब्बास ने एक तरफ देखा फिर दूसरी तरफ देखा और कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। अब तो मौला वो लश्कर ही नहीं रहा, इसलिए मौला मुझे भी
मक्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा, अब्बास मैं तुझे ये इजाजत नहीं दे सकता। ये दोनों भाइयों में बातें हो रही थी। अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि उसी असना में खैमे से एक छोटी बच्ची आई, कौन? जनाब सकीना, रोती हुई आई, अल अतश की आवाज को बुलंद करती हुई आई। हुसैन अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया अब्बास अलैहिस्सलाम के आरजू को शांत करने के लिए। कहा, बस अब्बास देख बच्चे प्यासे हैं, एक काम कर दे बेटा, खैमे में जाओ और मश्क को ले आओ, मैं चचा को भेज रहा हूँ, वो आप बच्चों के लिए पानी का बंदोबस्त करे। हाँ अजादारो, बस अब्बास को अब मक्तल की तरफ नहीं, नहरे फुरात की तरफ जाने की इजाज़त मिल चुकी। सकीना मश्क लेके आई, हजरत अब्बास निकले, सफ़ों को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुँचे। अरबाबी मिंबर बयान करते हैं कि अब्बास नहर फुरात तक तो पहुँच गए, एक बार घोड़े से उतरे और अपने चुल्लू में मुट्ठी में नहर फुरात का पानी लिया। थोड़ी देर न हुई थी कि पानी को फेंक दिया और मश्क को भरने लगे। मैं पूछूंगा, आका पानी मिल चुका था, आप भी प्यासे थे, आपने क्यों पानी नहीं पिया? शायद अब्बास का जवाब आए, ऐ जाकिर क्या बयान करूं, जब मैंने पानी को अपने मुट्ठी या चुल्लू में लिया ना, तो मुझे नन्नी सकीना और मेरे आका हुसैन की तस्वीर नजर आई। अरे मैं कैसे पानी को पीऊं, बच्ची मेरी और मेरा आका प्यासा है। हाँ अजादारो, मश्क सकीना को भर लिया, अब्बास वापस पलटे वहाँ उस तरफ खैमे के अंदर। इमाम मोहम्मद बाकर इस रिवायत को नकल करते हैं कि जब हजरत अब्बास वापस आ रहे थे ना, तो खैमे के दर पर हमें हमारी फूफी सकीना ने बुलाया। पांचवें इमाम भी 3 साल के थे करबला के अंदर। वो बयान करते हैं कि फूफी अम्मा ने बुलाया और कहा, बच्चे आ जाओ आ जाओ, देखो अलम चला है वहाँ, मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ रहा है। उस नन्ही सी जान को क्या पता कि ये अलम तो आएगा, अलमदार नहीं आएगा। अब्बास लो चले वहाँ से, एक मौका आया, किसी ने हजरत अब्बास का एक बाजू को काटा, हजरत अब्बास ने आलम को संभाला, मश्के सकीना को दांतों से पकड़ी। थोड़ी देर न हुई, कोई और जालिम आया, दूसरे बाजू को कलम किया। अब अब्बास घोड़े पे नहीं संभल सकते, बाजू भी नहीं है, लेकिन उमर साद ने देखा कि अब्बास खैमे की सिमत जा रहे हैं। कहा, ऐ लोगो, ऐसा ना हो कि पानी खैमे तक पहुंच जाए, पानी को बंद कर दो। बस अजादारो, ये कब पता चला? मुख्तार के दरबार में जब हुरमला को गिरफ्तार किया गया ना, उससे पूछा गया, हुरमला तूने करबला में क्या क्या किया है? कहा, बहुत से तीर मारे हैं, उसमें से एक तीर वो था कि मैंने तीर को कमान में लगाया और सामने हुसैन का भाई अब्बास आ रहा था, अरे उसके पास एक मश्क थी जिसमें पानी था, मैंने तीर लगाया, अरे तीर जाके मश्के सकीना में आया, अरे पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। अजादारो, अब अब्बास को और तीर लगा, अब्बास अब घोड़े से नीचे आए। अभी शेख ने पढ़ा ना, एक आलिम दीन का कहना है कि वो हर रोज मसाए पढ़ा करते थे, एक दिन का वाकया है, वो कहते हैं कि बीबी फातिमा सपने में आई और कहा, जाकिर तूने मेरे बेटे का मसाइब पूरा नहीं पढ़ा। कहा, शहजादी जो भी रिवायत मिली, जो भी रिवायत आती थी, मैंने सब पढ़ी है, कौन सी ऐसी रिवायत है जो मैंने नहीं पढ़ी? बीबी ने कहा, जाकिर अरे करबला में जितने भी शहीद हैं सबके सब जब नीचे आए, सबके बाजू सलामत थे, हाय मेरा अब्बास।
वो जमीन पे भी आया तो उसके पास बाजू न थे। हाँ अजादारो, एक मौका आया, हजरत अब्बास जमीन पे गिरे, भाई को बिला बुलाया, अब तो अलम जो है वो गिर गया है। हुसैन मजलूम भाई के पास आए, भाई के सर को अपने जानू पे रखना चाहा, बार बार हजरत अब्बास सर को नीचे रख देते हैं और वापस रखते हैं, वापस नीचे रख देते हैं। बस हुसैन ने कहा, अब्बास अपने सर को जानू पे रखने क्यों नहीं देते? कहा, आका क्या करूं, मुझे ख्याल आता है जब आप घोड़े से नीचे आओगे, अरे आपका साथ किसके जानू पे रहेगा? बस ये बातें हो रही थी। अब्बास ने कहा, आका आखिरी ज्यारत करना चाहता हूं, अरे एक आंख में तीर एक आंख में खून, मौला जरा खून को हटाइए। बस खून को हटाया, अब्बास ने आखिरी ज्यारत की और फिर कहा, आका एक आखिरी वसीयत है, मेरे लाशे को खैमे में नहीं ले जाना। हुसैन ने कहा, अब्बास क्यों ना ले जाओ? कहा, अब्बास गयूर है, ऐसा ना हो छोटी सकीना पूछ ले चचा कहाँ, पानी लेने गए थे। बस अजादारो, हुक्म की तामील हो गई, लाशे अब्बास को हुसैन ने छोड़ दिया, हलम को उठाया, लो खैमे की तरफ। बीबी सकीना बच्चों को दिलासा दिलाते हुए कहती है, बच्चे तैयार हो जाओ, चचा आ रहे हैं। जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़े, अलम तो दिखने में आता था लेकिन अब्बास नहीं दिखे। अजादारो अरबाब मिंबर कहते हैं, बीबी सकीना ने एक कयामत का जुमला कहा, बाबा जब नज़दीक आए कहा, बाबा जान मेरा चचा अब्बास कहाँ है, उसको बुला लीजिए, मैं भी पानी का सवाल नहीं करूंगी, बस चचा को कहिए वापस आ जाए। हाँ अजादारो, वही मुख्तार का दरबार है, एक जालिम को पकड़ा गया। जालिम को मुख्तार ने पूछा, कहा, बता तूने अपनी आंखों से क्या देखा है? बस जालिम ने कहा, मुख्तार क्या बयान करूं, रोजे आशूर के बाद शाम गरीब आई, हमें हुक्म दिया गया कि सरों को कलम किया जाए, फिर हुक्म दिया गया कि हर एक सर को नोके नेजे पे चढ़ाया जाए, लेकिन मुख्तार एक सर ऐसा था जैसे भी नेजे पे चढ़ता था वापस गिर जाता था, जितनी बार भी चढ़ाया वो सर नेजे पे ऊपर नहीं रहता था। आखिरकार हमने क्या किया, एक घोड़े को बुलाया, वो सर को एक घोड़े की गर्दन में बांधा, फिर हम करबला से कूफा गए। ऐ मुख्तार, पूरा रास्ता वो सर पामाल होता रहा। मुख्तार ने पूछा, अरे शकी बता ये किसका सर था जो नेजे पे नहीं रहता? कहा, वो अब्बास। अला लअनतुल्लाह अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन رضاً بقضائي وتسليماً الأمر بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب صل على محمد وآل محمد